हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट की आसान सी रेसिपी, जिसमें आप मिठाई और बाउंटी बॉल दोनों का मजा ले सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 कप दूध और 1 उबाल आने देंगे इसमें। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और इसे अच्छे से हिला लें। चीनी घुलने पर इसमें डालेंगे 2 कप नारियल का बुरादा और अब हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लें। ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें और इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें सारा मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। देखिए, 10 मिनट बाद ये मिक्सचर ड्राई हो चुका है, इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अब हमने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट ली है, मुझे यहाँ जितनी यूज करनी है तो मैं उतनी ले लेती हूँ। चॉकलेट को मैंने एक बोल में डाल दिया है। अब एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसके ऊपर चॉकलेट वाला बॉल रख दिया है मेल्ट करने के लिए। बोल बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी है तो आपकी चॉकलेट खराब हो जाएगी। पानी बॉईल होने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दे, स्टीम से ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। देखिए, हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर अच्छे से बाइंड करते हुए बॉल की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स का साइज आप छोटा बड़ा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। देखिए, हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसे फ्रीजर में 1/2 अंडा रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम नारियल की बॉल्स को इसमें डालेंगे और चॉकलेट से अच्छे से कोट करेंगे और फिर फॉर्क की मदद से इसे निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा देंगे। हम इसे बटर पेपर या फॉयल पेपर पर ही निकालेंगे, उससे ये बहुत आसानी से निकल आती है। हल्की गुनगुनी चॉकलेट को ही कोटिंग के लिए यूज़ करें, ज़्यादा गर्म चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारी चॉकलेट बॉल बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडी होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट बॉल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।